अचानक नालंदा पहुंचे बिहार राज्य शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक। नूरसराय डाइट संस्थान में प्रशिक्षणरत नए शिक्षकों के लिए जमकर क्लास। बिहार राज्य शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक आज नालंदा जिले के अंतर्गत नूरसराय अवस्थित डाइट संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने डाइट प्राचार्य फरहत जहां से भवन से संबंधित बातचीत की और साथ ही डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि बिहार में 90% स्कूल गांव में है, इसलिए आप सभी को गांव में ही रहना होगा। साथ ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी। आप सभी कंप्यूटर की भी क्लास करें, क्योंकि अगले वर्ष तक सूबे के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर पहुंच जाएगा। के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों से आगे कहा कि टीचिंग एक स्किल है जो अब टेक्नोलॉजी बन गई है। गांव के स्कूलों में अब सुबह से शाम तक पढ़ाई होती है, खासकर 3:30 बजे के बाद से मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। अपर सचिव डाइट परिसर का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर अपर राज्य परियोजना निदेशक SPD रविशंकर, DEO मोहम्मद जियाउल हक, DPO मोहम्मद शाहनवाज, DPO अनिल कुमार, BEO आनंद शंकर, मोहम्मद परवेज आलम, व्याख्याता नर्मला जोशी आदि मौजूद थे। सेकेंडरी में तो इसी साल पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन मिडिल में अगले साल कंप्यूटर पहुंच जाएगा, तो कंप्यूटर पे अपना ग्रिप बना लीजिए। हर एक की कितनी क्लासेस होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की डेली एक क्लासेस है। डेली एक क्लासेस। SNI अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, मतलब PFMS के बारे में, या जेई पोर्टल के बारे में है। टीचिंग एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नॉलेज को अपने से दूसरे तक भिजवाना एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे सीख रहे होंगे आपकी ट्रेनिंग। तो ये हमने देखा हमारे डाइट और PTEC और CTE में जो ट्रेनिंग हमारी जो फैकल्टी कर रही है वो बड़ी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ट्रेनिंग पहले कभी हुई होगी। तो ये टीचिंग को ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे, और वो ज़रूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा फायदा उठाएंगे ट्रेनिंग में। और आप लोग 13 तक रहेंगे तो 13 तारीख 3 जनवरी से जो लगेगा सेशन कि मिस कर दिया या ऐड को करना चाहे तो लोग कर लें। देखिए, हम लोग आपको बता दें कि मिशन दक्ष का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। गांव में बच्चे रुक के पढ़ रहे हैं कक्षा 3 से कक्षा 8 तक, और जो बोर्ड नालंदा दर्पण पर दिखाई गई खबरें पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नालंदा से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।